हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिलियन लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अपन क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स क्या कर लिए थे, हमने पढ़ लिए थे। आज हम इस टॉपिक को आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिए थे अपन पहले से देख लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था हमारा आगे देखते हैं हम क्या क्या पढ़ लिए थे हमने हमने देखा था एनिक, हमने क्या किया था केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले तो हम अपन देखे थे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन देखे थे आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देख उसकी प्रॉपर्टीज देखे थे, फिर लैटिस एनर्जी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। तो अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिल करके कंबाइन करके बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन देखे थे हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड पेयर देखे थे, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है ये बताए थे अपन। फिर मल्टीपल बॉन्ड देखा था हमने। ठीक है, फिर मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमने देखा था हमने क्या देखा था ऑक्टेट रूल। आज हम देखेंगे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, आज हम उसको अपन डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हमको आज अपन उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ जिसको अपन थोड़ा सा डिटेल जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था ये हमारा एनिक बॉन्ड था। ठीक है, एनिक बॉन्ड के बाद हम मल्टीपल ऑक्टेट रूल, ठीक है अपन ऑक्टेट रूल देखते हैं, ऑक्टेट रूल होता क्या है। ठीक है, तो देखो ऑक्टेट रूल यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो देखो ऑक्टेट रूल होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि ऑक्टेट रूल को सबसे पहले ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, सबसे पहले अपन किसने देखा था ये हमारा अपन शोभा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल को सबसे पहले 1916 में क्या किया गया था, लुईस एवं और क्या है लुईस एंड कोसेल ने क्या किया था, उसको क्या किया था डिस्कवर किया था। ठीक है, ये हमारा ऑक्टेट रूल को सबसे पहले किसने था, लुईस एंड कोसेल ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या किया था इसको बताया था। ठीक है, क्या किया था इसको बताया था, देखो ये किसने लुईस एंड जिसको मैं अपन लिख देती हूँ 1916 में लुईस, ठीक है लुईस एंड कोसेल ने क्या किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या है इसको क्या क्या था इसको बताया था। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या किया था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई एटम, ठीक है कोई एटम का क्या करते हैं, कोई एटम या मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं एक क्या बोलते हैं उसको अपन बोल सकते हैं ये हमारे। ठीक है, ऑक्टेट रूल को सबसे पहले तो किसने 16 में किसने देखा था ये हमारे लुईस एंड कोसेल ने क्या किया था, लुईस एंड कोसेल ने बताया था। तो उनके अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले तो अपने ऑक्टेट रूल को ये कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है, क्या करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए वो उसके क्या होने चाहिए, उसके 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 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए कि अगर देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, ये तो अपन पहले से जानते हैं। ठीक है, तो उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं देखो ये क्या करते हैं, तो कोई एटम, ठीक है कोई इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कोई एटम स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं वैलेंस अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एटम्स को सेलिंग या फिर एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं ऑक्टेट रूल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल को हम क्या करके देखो कोई भी एटम मैं बताई कि स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, स्टेबल होने के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन में
इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन अपना जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो फिर अगर कम है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा वो गेन करेगा, और ये दोनों शेयर करके क्या बना लेते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो इस तरह उनका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसी इसी को बोलते हैं अपना ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल करते हैं। ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये कौन कहता है, ये हमारा ऑक्टेट रूल कहता है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपन देखते हैं, तो इसमें देखो मैं अपन देखते हैं आगे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखे तो हम ऑक्टेट रूल को देख, सपोज यहाँ पे अपन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ देखो इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन देखे तो हम, इसका एक्सेप्शन क्या है कि इसमें अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ये हमारा सोडियम हो गया, क्या हो गया हमारा सोडियम, तो देखते हैं सोडियम का हम यहाँ पे देखते हैं अपन सोडियम, ठीक है, क्या देखते हैं सोडियम का हम अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सोडियम का हम यहाँ पे एग्जांपल देखे तो ये हमारा, यहाँ पे देखे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो सोडियम, तो सोडियम का आप एग्जांपल देखते हैं तो सोडियम का कितना होता है आउटर मोस्ट में 11, तो कितना होता है, कितना होता है यहाँ पे 1s2, 2s2 और यहाँ पे 2p6 एंड 3s1, तो यहाँ पे टोटल होते हैं कितने होते हैं हमारे यहाँ 2, 8 एंड 1। एंड क्लोरीन का यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं तो क्लोरीन का क्या होता है हमारा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है अपन, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ सॉरी ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा अपना, क्लोरीन क्या करता है, हाँ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम, सोडियम अपना क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है क्लोरीन को, क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन क्या कर लेता है वो दे देता है, ठीक है। अपन 1 इलेक्ट्रॉन ये देखो अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सोडियम हो गया, ये सोडियम एंड क्या हो गया क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अपन एक बार कंफर्म हो लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका भी लिख देते हैं, क्लियर हो जाता है कि आप लोग को 1s2 ये क्या है 2s2 2p कितना है ये हमारा 6 एंड 3s2 एंड कितना हो गया हमारा 10 12 3p ये हमारा 3p5 तो ये हमारा 7। तो ये जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये तो इसको 1 दे देगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होना चाहता है कोई अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयर करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है, आया समझ में। अब इसका एक्सेप्शन देखे तो हम अपन क्या देखते हैं, आपको इसका एक्सेप्शन देखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन तो देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसका पोजीशन क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जैसे कि अपन ये क्या होते हैं हाइड्रोजन का हम देखें तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने होते हैं हाइड्रोजन का 1 है, कितने होते हैं यहाँ पे 2। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा हाइड्रोजन का एटॉमिक हमेशा ये क्या होता है डबल ऑक्टेट क्या करता है, ये कंप्लीट करता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है वो क्या करता है, ये कंप्लीट ही करता है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में क्या अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम क्या करता है ये इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, कौन फॉलो नहीं करता, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल का हम यहाँ पे देखे तो नेक्स्ट कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम। देखो इसके सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं,
इसका हम देखते हैं इसके चांस है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट सेंट्रल एटम। अब देखो इनके कुछ हम इसके बेस पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल क्या करता है, सेंट्रल एटम देयर आर मेनी क्या है स्टेबल कोवेलेंट, कुछ सेंट्रल एटम्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ अपने सेंट्रल एटम से ही क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देखें तो क्या करते हैं, देखो या यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं ये हमारा एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, ये क्या है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम से क्या करते हैं, सेंट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसको क्या कर लेते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या क्या होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो बताओ एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देखें तो एल्यूमिनियम एक ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राई क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है। तो इसका अपन क्या करते हैं, इसका देखते हैं, ठीक है। तो देखो तो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होते हैं, ठीक है, इसके टू इसके अपन क्या कर लेते हैं टू ऐसे देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का सब पता है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक याद रखना, मैं आप लोगों को बताई थी कि जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, यहाँ पे अपन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं 1s क्या देखते हैं हम 1s2 एंड यहाँ पे 2s2 एंड 2p। यहाँ पे मैं बोली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप में वाइज देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाता है। जैसे कि अपन देख लेते हैं तो क्या होता है, हम जितने भी ग्रुप है तो ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप फर्स्ट यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 एंड 13 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। अब 14 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 एंड 15 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 16 में कितने होते हैं 6। इस तरह क्या है ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने होते हैं, कितने होते हैं अभी बताइए, चलो बताओ फिर एल्यूमिनियम के कितने होते हैं, ये हमारा इसका एटम 13 होता है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा ये 1। तो देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये करेगा क्या इस ये देखो तो ये क्या करता है, क्लोरीन का 7 होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1 यहाँ 2 एंड 3 एंड कितना हो जाएगा 4 5, ये 1 2 यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का। तो यहाँ पे अपन देखे तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 2 6 7 हो गया ये हमारा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का हो गया तो एल्यूमिनियम में कितने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 2, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3, ठीक है ये। और हम यहाँ पे क्लोरीन का देखे तो यहाँ पे क्लोरीन का फिर से 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का फिर से देखे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना स्टेबल होने के लिए एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे ये इसे 3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा ये ले लेगा, क्या कर लेगा ये ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे देखो एल्यूमिनियम के इसके क्या है कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, ये सेंट्रल एटम से क्या कर लेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये क्या कह रहता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल ऑफ द सेंट्रल एटम,
सेंट्रल एटम में ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करके हम क्या कर लेते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड। अब थर्ड देखते हैं अपन, थर्ड देखें तो क्या होगा, तो देखो एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब ये क्या कहता है कि अगर सेंट्रल देयर आर मैनी स्टेबल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेंट्रल एटम हैज मोर 8 इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस से, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा H2SO4। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन्हें आपस में रिपल्सन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इनमें आपस में क्या होता है, क्या कर लेते हैं ये आपस में, इनमें जो इनके आपस में रिपल्सन को क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिपल्सन कम रखना चाहिए। और ये क्या कहता है कि मैक्सिमम इन्हें क्या है, अब अगर रिपल्सन जितना कम रहेगा ठीक है, तो ये क्या करें मैक्सिमम, और ये चाहते हैं कि मैक्सिमम ये दूर रहे ताकि इनकी स्टेबिलिटी क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, इसी से इनका शेप मिलता है, किससे, ये हमारे ये बोल रहा है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है, इनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में रिपल्सन कम रखना चाहिए, अगर और इन्हें मैक्सिमम क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और इन्हें ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, और इसी से इन्हें क्या मिलता है, शेप मिलता है। ठीक है, ये किसका, ये हमारा ऑक्टेट रूल का थर्ड पॉइंट ये कहता है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या कहते हैं, शेयर करके ये अपन क्या बना सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बताई थी मैं, H2SO4। तो ये क्या होता है, इसमें अपन देखे तो ये क्या करेगा हमारा, ये सेकेंड थर्ड रूल ये कहता है कि जो जितने भी ये जो ऑक्टेट रूल्स के सेंट्रल एटम है ये स्टेबल होना चाहते हैं ये बताए, तो ये क्या करता है, इसका एग्जांपल देखे तो अपन यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ, ये देखो इसका एग्जांपल H2SO4। ठीक है, H2SO4, तो मैं बताई कि जैसे यहाँ पे, हाँ तो मैं आपको ये बता रही थी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपन प्रीवियस वीडियो में देखे, फिर भी अपन अपने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मैं बताई थी कि कोई भी ये कार्बन हो गया ठीक है, और कोई भी बॉन्ड ठीक है, ये क्या बनाता है, सपोज CH3 है, तो इनके भी जितने भी जो लेयर ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन ये भी और ये भी हाइड्रोजन, तो जितने भी जो लोन पे जो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये देखो तो ये सल्फ्यूरिक, यहाँ पे अपन देखो तो यहाँ देखें तो H और ये ऑक्सीजन हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा 2 हो गया, फिर S और ऑक्सीजन, यहाँ पे H2SO कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 होता है। ठीक है, ऑक्टेट कम, ये देखो ये हमारा हो जाएगा, फिर ये H, तो ये इसका क्या है, इसका एग्जांपल की सेंट्रल एटम का। ठीक है, क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम का। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका एग्जांपल है। अब आगे हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या कहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन क्या है, ज्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जो लोन पेयर होता है उसका क्या होता है, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, और जो बॉन्ड पेयर होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है, ये याद रखना। ठीक है, एक बार और बता देते क्या है, लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे अपन देख लोन पेयर के यहाँ क्या होता है, ज्यादा होता है ठीक है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है। ठीक है, ये अपन यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये जो क्या कहता है, ये हमारा ये जो और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, ये और नंबर इलेक्ट्रॉन नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई द एटम्स, ये अपने क्या करता है, सेटिस्फाई ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, और नंबर इलेक्ट्रॉन को, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों क्या करते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करेंगे, ये
अपने ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या नहीं सेटिस्फाई नहीं रहते, ठीक है, क्या रहते हैं ये सेटिस्फाई नहीं रहते। जैसे कि इसको अपन देख लेते हैं नाइट्रोजन में एन, ठीक है, और कितने ये एक्सेप्शन अपन बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया और ये, ठीक है, और ये नाइट्रोजन। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये जो नाइट्रोजन है इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें प्लस आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। देखो ये कितने हैं ऑक्सीजन में, कितने ऑक्सीजन के आउटर में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के कितने हैं, तो ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, इसमें प्लस आ जाता है और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। फिर भी ये क्या होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, क्या होते हैं ये देख, ये एटम जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करके ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये सेटिस्फाई, ठीक है। ये क्या कर, ये हमारा हो गया ऑक्टेट रूल, क्या हुआ हमारा ऑक्टेट रूल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। मेन ये याद रखना है कि जो ऑक्टेट रूल होते हैं वो क्या करता है, ये है कि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, क्या करते हैं अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो फिल कर लेते हैं पूरा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखे तो सबसे पहले कि वी एस पी या थ्योरी देखते हैं, तो वैलेंस जिसको बोलते हैं वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। अब देखो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है ये कहता क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो देखो ये क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कहता है कि ये सिंपल थ्योरी, और देखो ये क्या कहता है, ये VSPR के थ्रू हम क्या देखते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। ये जो ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और क्या करता है, ये सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपल, क्या है, जो रिपल्सन जो होता है इसको ये क्या करेगा, ये बताएगा कि VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के किसके बीच रिपल्सन क्या होता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन के ज्योमेट्रिक ट्रिक के बेस पे क्या किया गया, वीएसपी थ्योरी को बताया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वीएसपी थ्योरी होता क्या है, ठीक है, क्या देख लेते हैं हम वीएसपी थ्योरी होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें तो देखो ये क्या होता है, हम देखें तो जो वीएसपी थ्योरी ये कहता है कि कोई भी जस्ट सपोज कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सन क्या है, कितना रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, और ये क्या करता है, किसके किस बीच में होता है, ये अपन क्या यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी क्या है थ्योरी है जिसको अपन आगे क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये सिंपल थ्योरी कैन बी यूज प्रिडिक्ट ऑफसेट, मैं अभी बताई कि ये सेट वीएसपी या थ्योरी के बेस पे हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं बताते हैं। वीएसपी या थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग, इसमें सेंट्रल एटम, ठीक है, और ये रिपल्सन फर्दर रिपल्सन के बीच में ये क्या करता है, मोमेंट को बताता है कि उनके बीच कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन उसमें कितना है, ठीक है, क्या है, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, ये कौन बताता है, ये वीएसपीआर थ्योरी बताता है। सपोज कि ये देखो यहाँ पे ये बता रही हूँ एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड है तो कार्बन क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों होगा, ये भी बताता है, ठीक है। अगर ये देखो ये अगर हम ऑक्सीजन को ये हमारा डबल है ये हमारा ट्रिपल, तो VSPR थ्योरी ये कहता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम सिर्फ इसमें क्या लेंगे, सिंगल ही लेंगे, क्या लेंगे, सिंगल ही लेंगे।
अगर दो एटम मिलकर के क्या बना रहे, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का हम यहाँ पे, ये तो हमारे बॉन्ड पे अपन जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जितना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसकी उतने, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसकी उतनी ही बॉन्ड लेंथ होगी, क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये जो वीएसपी या थ्योरी ये कहता है कि चाहे बॉन्ड कितना भी है, चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हम वहां यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, सिंगल ही बोलेंगे। जैसे कि ये डबल है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिंगल ही बॉन्ड बोलेंगे, कौन, वीएसपी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे कि जो बॉन्ड रहेगा वो यहाँ पे ऑक्सीजन में जैसे डबल बॉन्ड है और ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वीएचपीआर थ्योरी में सिंगल ही बॉन्ड लेंगे, ठीक है, ये हमारा वीएचपीआर थ्योरी कहता है। अब इसके आगे देखें तो देखो, द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी, ये क्या कहता है, द सेस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, कि डिपेंड अपॉन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के बेस पे, सेंट्रल एटम के बेस पे क्या कर रहे हैं, बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड। अभी बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो ये देखो, ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके बनाते हैं उसको बॉन्डेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो, ये क्या होता है, ये जो वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम बता, उसी के बेस पे हम ज्योमेट्री को क्या करते हैं, बनाते हैं, हम ये वीएसपीआर थ्योरी के बेस पे, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है कि अपन देखें तो देखो, ये कहता है कि कोई सेंट्रल एटम में, ठीक है, सिमिलरली चार्ज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं ये अपन जान चुके हैं, ठीक है, और एज ए वन लोन पेयर, लोन पेयर जो बॉन्ड की से बना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना होता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो लोन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि कोई भी सेंट्रल एटम कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करते हैं, उसी के थ्रू जानेंगे कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा, ठीक है। ये कौन कहता है, ये हमारा फर्स्ट है जी, ये कहता है कि कोई भी सेंट्रल एटम कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम जानेंगे कि किसी एटम का शेप क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वीएसपीआर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड ये अपन देखते हैं कि एग्जांपल है डिफाइन, और ये क्या करते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री देता है, ठीक है। सेकंड ये कहता है, ये मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ, क्या कहता है, सपोज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे, ये कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि इन्हें आपस में रिपल्स कम रखना चाहिए और मैक्सिमम दूर रहे ताकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। अब देखो यहाँ पे कोई, ये यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस प्लस आ रहा है, दोनों में रिपल होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन, हमें पता है कि अपोजिट चार्ज वाले में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये रिपल्सन होगा तो ये क्या कहते हैं, मैक्सिमम इनके एक एग्जैक्ट दूरी पे रहना चाहिए ताकि इनकी स्टेबिलिटी क्या करे, बनी रहे, ठीक है। और ये कहता है लोन, थर्ड हमारा ये कहता है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन अमंग द बॉन्ड ऑफ, ये कहता है कि लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो लोन पेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच क्या होता है, ज्यादा होता है, बट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच क्या होता है, ये रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होता है, लोन पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ज्योमेट्री सेम होती है बट इनका क्या होता है, इनकी ज्योमेट्री सेम होती है बस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चेंज होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे CH4 को हम एग्जांपल ले लेते हैं, टैलेंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बेस पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, किसका रिपल्सन, ये अब देखो इतना इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके।
आगे क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।